जय हिंद दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो सीरीज को पूरी तरीका से देख लीजिएगा तो अनुमान है कि बिहार सीजीएल और बिहार एसआई में आने वाले सभी साइंस का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरेल ने किया था। आ रहा है अगर ऑप्शन दिया ना ये सही नंबर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर साहब ने किया था। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, तो इनका अध्यक्ष था डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा, तो यहाँ पे उनका पूरा नाम दिया गया है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए, नीचे में आपका क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत का को किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत, देखिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको आप ई बराबर एम सी स्क्वायर कह सकते हैं, यही सिद्धांत ई बराबर एम सी स्क्वायर के रूप में प्रसिद्ध है, या सापेक्षता का सिद्धांत कीजिए, जिसका भी आंसर आपका हो जाएगा आइंस्टीन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? देखिए, इसरो का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य के बंगलोर शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलोर। चंद्रशेखर बंकेट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर बंकेट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रमन प्रभाव इनका एक खोज था जो प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित है। रमन प्रभाव के कारण इनको 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? देखिए, आप सभी बचपन में पढ़े होंगे कि रदरफोर्ड साहब सोना का पतला पत्थर लेता है, उस पर किरण बमबारी करता है, अल्फा किरण, धनात्मक किरण, और वो खोज करता है कि धनात्मक कण जो है परमाणु के ठीक बीच में है, जिसको क्या किसका नाम देते हैं? नाभिक का। तो ना परमाणु के नाभिक का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न है। देखिए, इसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर साहब भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारत होके अमेरिकी मूल के थे, मतलब भारत में ही पैदा लिए थे और अमेरिका में बस गए थे। इन्होंने खोज किया है ब्लैक होल का, ब्लैक होल का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसके सम्मान में ही द्रव्यमान का एक इकाई होता है जो सूर्य के पूरा द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, और उसका नाम पड़ता है चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा, इनके सम्मान में चंद्रशेखर सीमा पड़ा है। केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? देखिए, आप सभी बचपन में जगदीश चंद्र बसु के बारे में कहानी पढ़े हैं कि इनका एक बार बाल जो गेंद खेल रहा था और झाड़ी में चला गया था, तो इनका माताजी रोकने के बाद कि झाड़ी पेड़ पौधा में भी क्या होता है? जीवन होता है। उसी को खोज करने के लिए इन्होंने एक मशीन बनाया था जिसका नाम पड़ा था केस्कोग्राफ। और ये भारत का ऐसा वैज्ञानिक था जो बहुत कम दूरी तक बेतार संरचना के आधार पर, जिसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता था, बेतार संचार व्यवस्था था, और यंत्र का नाम दिया था बेतार संचार व्यवस्था, मतलब इसमें कोई तार इस्तेमाल नहीं होता था, और उसका नाम पड़ा था केस्कोग्राफ। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, उपयोग कहाँ होता है? तो पेड़ पौधा का जीवन है या कोई उसमें उद्दीपन होता है, चोट लगता है तो उसमें भी उद्दीपन होता है, उसको भी कष्ट चोट लगता है, महसूस होता है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए मशीन बनाए थे जगदीश चंद्र बसु ने। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस
किसकी अनुपम कृति है? देखिए द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघना साहा की कृति है। इसमें क्या वर्णन है? तो पुराने हिंदू धर्म में जिसको विज्ञान से जोड़ के हम लोग परंपरा के रूप में जीते हैं, उसी को हिंदू हिंदू के अनुसार साइंस जो उनके धर्म में छिपा हुआ है उसके आधार पर किताब लिखा गया था, जो किसने लिखा है? मेघना साहा ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे जिसने पहली बार बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का खोज किया था। पदार्थ के तीन मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन साहब ने, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे.जे. थॉमसन साहब ने और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक साहब ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन साहब। तो परमाणु के सिद्धांत, इन्होंने पांच सिद्धांत दिया था परमाणु संबंधित, जो लास्ट में आके वैसे तो सारा गलत हो गया, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने दिया था इसका, इसलिए परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह एक प्रकार का प्राणी का सतत विकास से संबंधित किताब है जिसको लिखे हैं चार्ल्स डार्विन। कौन लिखे हैं? चार्ल्स डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक का नाम है और यह शोध किए थे किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सीवी रमन का जन्मदिन था और इसके उपलक्ष में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनके सम्मान में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। सर्वप्रथम हाइड्रोजन के तत्व को रूप में परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश। आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? देखिए तो सर्वप्रथम रक्त परिवहन का खोज किया था विलियम हार्वे साहब ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम हार्वे। एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज W.C. रॉन्टजन ने किया था और आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, W.C. रॉन्टजन। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो W.C. रॉन्टजन। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए गति के नियम अगर रहता सिर्फ गति का तो न्यूटन होता। गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया, लेकिन गति के नियम का अगर जड़त्व लगा रहे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गैलीलियो। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गैलीलियो। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? देखिए यहां पे देखिए आया गति के नियम, अब की बार यहां पे जड़त्व शब्द का इस्तेमाल नहीं है। कह रहा प्रश्न में गति के नियम किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे बचपन में कि गति संबंधित तीन नियम दिया था, कौन दिए हैं? सर आइजैक न्यूटन। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। फोटो अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? टेलीस्कोप इसका हिंदी होता है दूरबीन। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गैलीलियो। लाइसोसोम या लाइसोजोम की खोज किसने की थी? आप लोग पढ़े हैं इसके बारे में। इसका एक और क्वेश्चन होता है कि कोशिका में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि किसके किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो वहां आप राइट आंसर कीजिएगा लाइसोसोम। तो यहां प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? उनकी खोज किसने की थी? तो सी डी दुबे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी दुबे। सी डी दुबे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। तो यहां पे शॉर्ट नाम है डार्विन, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा डार्विन। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलासने। क्या हो जाएगा आंसर? तुलासने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? लीवेनहॉक। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, सोसाइटी ऑफ लंदन। वैज्ञानिक का एक संगठन है इंग्लैंड में, सोसाइटी ऑफ लंदन। वहीं पे इन्होंने कॉर्क से कोशिका का खोज किया था और उसको छोटा छोटा उसमें सेल कमरा के जैसा लिखता था, जिसका नाम इसने इंग्लिश में सेल और हिंदी में कोशिका दिया था। तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट, यही आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किया था वेटिंग एवं वेस्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज अभी हो चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। रैबिज के टीके की खोज किसने की थी? रैबिज के टीके का खोज किया था लुई पाश्चर साहब ने, लुई पाश्चर साहब ने। प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का नियम किसने दिया था? यह नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। रैबिज के टीके की खोज, रैबिज के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीले एवं प्रिस्टले। कहीं कहीं आपको अकेले प्रिस्टले भी होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, और कहीं कहीं दोनों साथ में होता है सीले और प्रिस्टले। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की खोजकर्ता कौन थे? सीले और प्रिस्टले। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक, तो इसको जान रहे हैं न्यूटन साहब थे, सर आइजैक न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। तो यहां पे आपका आंसर ऑप्शन है न्यूटन, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? देखिए हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे बनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की घटना पर बनाया गया था। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो यह नाभिकीय विखंडन की घटना पर आधारित है। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक थे
कार के आविष्कारक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट टेलर, अल्बर्ट टेलर। न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं है जी, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउली। आवर्त के नियम को किसने दिया था, आवर्त का नियम सबसे पहले जो कि सबसे अधिक सटीक था मेंडलीव साहब दिए थे, लेकिन ये परमाणु द्रव्यमान आधारित था इसलिए थोड़ा सा इनमें चेंजिंग होना पड़ा, और लास्ट में इसका फाइनल दिया था मोसले साहब, लेकिन मोसले का यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेंडलीव। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, इसका राइट आंसर होगा एनरिको फर्मी। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। देखिए परमाणु बम नहीं है, परमाणु बम 1945 में बना था और यूज भी हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन यहां पे क्या है हाइड्रोजन बम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1952। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो इलेक्ट्रॉन का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन जो होता है आवेश विहीन कण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आवेशहीन कण। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान साहब ने किया था, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हान। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हान। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया, देखिए इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हुआ था, तो 1945 में हुआ था और इसको बनाया भी गया था 1945 में। शुरुआत में दो परमाणु बम बनाया गया, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया जापान पे, कब बनाया गया था 1945 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन साहब ने किया था, जे जे थॉम्सन आपका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, देखिए प्रोटॉन की खोज के लिए विवादित क्वेश्चन बना हुआ है, वैसे कहीं कहीं आंसर गोल्डस्टीन मिल जाता है, कहीं कहीं आपको आंसर रदरफोर्ड मिलेगा, लेकिन रदरफोर्ड नाभिक का खोज करता है, नाभिक, और इसका राइट आंसर हम गोल्डस्टीन लेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी आंसर मिल जाता है, लेकिन रदरफोर्ड याद रखिएगा नाभिक का खोज करता है, नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित कण पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन का खोज करता गोल्डस्टीन साहब थे। की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी जेम्स चैडविक, और इसके बारे में थोड़ा देर पहले मिला था, यह आवेश विहीन कण होता है, आवेशहीन कण, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, पोलियो टीका का खोज किया था जेई शाल्क, जेई शाल्क, जॉन ई शाल्क, इनका पूरा नाम क्या था जॉन ई शाल्क। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, देखिए डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल साहब थे, अल्फ्रेड नोबेल, फ्रेड नोबेल, इन्हीं के सम्मान में आज के डेट में नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे और ये डायनामाइट को पेटेंट करवा लिए थे, जिसके कारण इससे बहुत ज्यादा इनको फायदा होता है और इनको कोई वारिस ना होने के कारण इनका संपत्ति को लेके आज के टाइम में स्वीडन और नॉर्वे देश दोनों मिलकर नोबेल प्राइज देता है। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, अल्फ्रेड नोबेल। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज करता थे एडर्सन, पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन थे एडर्सन। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, देखिए भेदन क्षमता होता है किसी को छेद करके पार हो जाना, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है गामा किरण में, किसमें होता है गामा किरण में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कारक था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, सोलर सिस्टम, तो सबसे पहले सूर्य
सौर मंडल का केंद्र है यह बताने वाले कोपरनिकस थे और सोलर सिस्टम के खोजकर्ता कोपरनिकस थे। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, देखिए नाभिकीय विखंडन जब घटना कराया जाता है तो नाभिक के न्यूट्रॉन का उस पे गन के रूप से दागा जाता है, तो ट्रिगर का काम कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन कराने के लिए ट्रिगर का काम करता है न्यूट्रॉन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक साहब ने दिया था, मैक्स प्लांक साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो धर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकुरेल साहब ने किया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, देखिए किसी न वैज्ञानिक का मानना है कि संसार का निर्माण एक धमाका के साथ हुआ है जिसको हम लोग बिग बैंग का थ्योरी कहते हैं, और यह आधारित होता है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव इसको हिंदी में कहा जाता है, इसी आधारित पे बिग बैंग थ्योरी का वर्णन होता है। रुके नहीं है, देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका जब हम परमाणु संरचना बनाएंगे जिसमें एक कक्षा होगा, इसमें तीन कक्षा होगा, इस तरह हम लोग जब बनाएंगे तो सबसे छोटा, या प्रश्न है सबसे सूक्ष्म, तो सबसे सूक्ष्म होगा, छोटा होगा हाइड्रोजन, इनमें से सूक्ष्म तत्व कौन हो जाएगा, तो इसका सबसे आकार छोटा होगा परमाणु आकार, इसलिए राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम था अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था मिलिकन साहब ने, मिलिकन, इसने